हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? हाँ ठीक है। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है ना लैपटॉप में। देखिए अभी मैं उतना स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ, है ना। बाकी देर से आने का कोई और पर्पज नहीं है ना। ये लैपटॉप में कुछ दिक्कत, लैपटॉप में या तो दिक्कत हो रही है या फिर जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं OBS, उसमें कोई दिक्कत हो रही है ना, या फिर सेटिंग्स में कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि जितना मैं दिखाई दे रहा हूँ उससे तो बहुत स्मार्ट हूँ, है ना। चलो तो जल्दी से सब लोग लाइक करो। अच्छा पता ही नहीं चला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ? टी शर्ट में क्या लिखा, पढ़ नहीं पा रहे थे? मैंने भी देखा नहीं यार क्या लिखा हुआ है। लिखा है ड्यू टू, और तुम लोग का ड्यू है, प्रीमियम ड्यू है तुम लोग का, और क्या? नहीं बेटा ये ओरिजिनल नहीं है ना। ना ऐसा थोड़ी हूं मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा एक कांड भी हो गया, उसके बारे में तुम लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा मैं दुखी भी हूँ उस वजह से। मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ लेकिन मैं हूँ दुखी वैसे, है ना। तो दुखी होने का रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक लाइव सेशन मैंने लिया था और उस लाइव सेशन में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से दो एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेम फाइलम से कौन से दो एनिमल बिलोंग करते हैं। तीन ऑप्शन उसमें दिए गए थे, ए बी सी डी, मतलब डी ऑप्शन चार दिए गए थे। जो तीसरा ऑप्शन है, उस तीसरे ऑप्शन में ये लिखा हुआ था बेटा कि एक उसमें दिया गया था एनसाइक्लोस्टोमा, और एक ऑप्शन दिया गया था उसमें एंट्रोबियस, एनसाइक्लोस्टोमा और एंट्रोबियस। मैंने उसमें बताया कि एनसाइक्लोस्टोमा एस्केल्मिन का मेंबर है और एंट्रोबियस एस्केल्मिन का मेंबर, ये दोनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये सही स्टेटमेंट था। ठीक, यही मैंने पढ़ाया अभी। बस मेरे दिमाग में उस समय थोड़ा सा ये स्लिप हो गया, मैंने ये बोल दिया कि एनकाइलोस्टोमा एग्जाम्पल एनसीआरटी में नहीं दिया गया है, जबकि ये एग्जाम्पल एनसीआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो एकदम राइट है कि एंकाइलोस्टोमा और एंट्रोबियस दोनों एस्केल्मिन के मेंबर हैं, है ना, और इसमें कोई भी गलती नहीं है इस बात में। ठीक, गलती केवल ये हो गई मुझसे, मैंने ये बोल दिया कि एंकाइलोस्टोमा एनसीआरटी में नहीं दिया गया। अब इसको कुछ लोगों ने इशू बना लिया, है ना, कुछ बच्चों का इस वजह से सिलेक्शन रुकने लगा, कुछ बच्चों का इस पॉइंट की वजह से सिलेक्शन रुकने लगा। ठीक है, सिलेक्शन इस वजह से रुकने लगा क्योंकि मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एनसीआर जब नीट में सवाल आएगा तो नीट में सवाल क्या पूछा जाएगा? अब नीट में ऐसे सवाल नॉर्मल नहीं आएंगे, अब नीट में सवाल ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट गिवन इन द एनसीआरटी, उसमें एंकाइलोस्टोमा ऑप्शन होगा और ये बात जो मैंने बच्चों को गलती से बोल दी है इसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाएगा। मतलब ये बच्चे या जो भी हैं, अब मैं इनको क्या बोलूं, मतलब मैं दुखी बहुत हूं कि मैं इतना काम कर रहा हूं और कोई टीचर क्या जानबूझ के कोई चीज किसी को गलत पढ़ाएगा। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगा लो, है ना। मतलब मैंने जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दी एकदम सही, कहीं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। मैं भी इंसान ही हूं ना, कोई रोबोट या मशीन तो नहीं कि हर काम एकदम सही करे, वो मशीन भी गलतियां कर देती, मैं तो इंसान ही हूं। तो मैंने यहां पर कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई मैंने गलत चीज नहीं पढ़ाई कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए या किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक जाए। बस मुझसे गलती ये हो गई यहाँ पर कि मेरे दिमाग में कहीं था कि एस्केरिस और उचरेरिया एनसीआरटी में दिया गया, एंकाइलोस्टोमा और एंट्रोबियस नहीं दिया गया। तो मैंने बस ये बोल दिया कि एंकाइलोस्टोमा एग्जाम्पल एनसीआरटी में नहीं, और इस बात पे बवाल हो चुका है। मतलब पिछले 2-3 घंटे से उसे बवाल में मैं लगा हूं, जब से 8 बजे आपका सेशन हुआ है तब से उसके बाद से लेके यही बवाल चल रहा है। केवल बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर उस ग्रुप में ऐसा हो गया, उस ग्रुप में ऐसा हो गया, और मतलब उसका वो जो वीडियो बना लिए उस चीज का, है ना, जो बात मैंने बोली थी उसका 1-2 मिनट का वीडियो बना के वो टीचर क्या कर रहे हैं ग्रुप में भेज रहे हैं। तो मतलब मैं दुखी हूं थोड़ा अंदर से इस वजह से कि, लेकिन अब वही है ना कि अब इससे कोई नुकसान मेरा नहीं होगा, है ना। और मतलब अब ये लोग एक तो खुद काम नहीं करते हैं,
मैंने आपसे कहा है ना कि ये जो केवल आप जो 183 अभी देख रहे हो यहाँ पे, ये केवल बच्चे नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे बायो के टीचर भी होंगे जो ये चीज को वॉच कर रहे होंगे, और उनको इतनी दिन में एक ये गलती समझ में आई है, इसकी वजह से स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक रहा है, इस गलती की वजह से, इससे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ कि बच्चों ने मैसेज क्या क्या किया है, ठीक है? नहीं, ये बात बताना जरूरी है बेटा, है ना, ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चे मैसेज किस तरीके कर रहे हैं मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है? मैसेज ये कर रहे हैं, बच्चे ने मुझे बताया कि ग्रुप में किस तरह के मैसेज हो रहे हैं। देखो सुनो क्या मैसेज बच्चे ने किया था। एक तो वीडियो ये प्ले की गई, मैं वीडियो भी तुम लोगों को सुनाता हूँ, 5 सेकंड की वीडियो है। मैंने ये बोला था, बस मैंने ये बोला कि एनसीईआरटी में आपको एंकाइलोस्टोमा नहीं दिया गया। अब उसके बाद मैसेज क्या आया कि ये आपके गंगवार सर एनसीईआरटी को भी गलत साबित करने में लग जाते हैं, जबकि साफ साफ एनसीईआरटी में एंकाइलोस्टोमा दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी को गलत साबित करने में लग जाता हूँ, जबकि मैं खुद लिखता हूँ कि मैं एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एनसीईआरटी को गलत साबित करने में लग जाता हूँ। मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पर कहीं गलत नहीं साबित किया, मैंने कहा ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक, ये गलती मुझसे हो गई, मैंने अपनी गलती मान ली। अब उसके बाद इसमें मतलब उसने कहा कि बच्चे गलत कॉन्सेप्ट ना पालें इसलिए ग्रुप में डाल दीजिए, बच्चे गलत कॉन्सेप्ट ना पालें। इसमें गलत कॉन्सेप्ट कौन सा था? कॉन्सेप्ट तो मैंने सही बताया था ना, बस मैंने ये कहा कि एंकाइलोस्टोमा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ना ही इससे कोई क्वेश्चन फ्रेम होता, ना ही इससे कोई सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन रुकता है ना, तो इसलिए ये बात करनी मुझे थोड़ी सी जरूरी थी, है ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया, है ना, कि मतलब मैं बहुत दुखी हो गया आज कि मैं अगर इतना एफर्ट कर रहा हूं, है ना, उसके बाद भी मतलब मैं हर क्वेश्चन में लगभग आपको बताता हूं कि ये पॉइंट एनसीईआरटी में है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की ही बातें करता हूं, चाहे मैं क्लास में पढ़ाता हूं चाहे यहां पे पढ़ाता हूं, मैं एनसीईआरटी की ही बातें करता हूं हमेशा, और उसके बाद इस तरह की बातें हो रही हैं, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं, अपने प्रीमियम तक मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और ये जो डिसलाइक आते हैं ना, ये बच्चों के डिसलाइक नहीं होते, ये आज मुझे पता चला, ये बायो के जो टीचर है ना उन्होंने एक जुगलबंदी कर रखी है, वो भी ये सेशन देख रहे होंगे, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं इस समय, है ना, कि अगर वो मेरा सेशन देखने के बजाय अपना सेशन करें तो उनके यहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे बच्चों को देखिए, कोई कोई भी टीचर अच्छा है खराब नहीं होता है, बस बच्चों को उसकी बात समझ में आती है। आप अगर अपनी चीज पढ़ाएंगे, बच्चों को बात समझ में आएगी, तो आपके चैनल पे भी बच्चे आएंगे। आप पढ़ाना स्टार्ट तो करिए, लेकिन आप खुराफात में लगे रहते हैं, दूसरे की टांग खींचनी है, मतलब एक इन्होंने पढ़ा हुआ है बायो में -0 टाइप का इंट्रैक्शन, तो ये चाहते हैं कि इनका भले कोई इनको फर्क ना पड़े लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए, मतलब ये दूसरे की नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के नुकसान के चक्कर में क्या होता है कि जब ये दूसरे का नुकसान, अब मेरे बारे में जो ये प्रपंच फैलाएंगे, मैंने सही बात बता दी आपको, जो बच्चा समझदार हो ऐसे भी समझ जाएगा, अब जो चापलूस टाइप का होगा वो तो उनके पीछे लगा रहेगा, उनके तलवे चाटता रहेगा, जो मतलब ये क्या करेंगे, ना तो खुद काम करेंगे और ना ही दूसरे को काम करने देंगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपका, जैसे मेरा माइंड आज डिस्ट्रैक्ट कर दिया इस तरह की बातें करके, फिर बच्चों के मैसेज आने लगे, क्योंकि मेरे ही बच्चे कुछ बहुत प्रिय हैं जो मुझे भी मानते हैं, उनके भी प्रिय होंगे, है ना। तो एक टीचर इस तरह की बातें अगर कर रहा है, वो बच्चों से कह रहा है कि ये चीज इन्होंने गलत पढ़ा दी, इसमें कोई भी बात मैंने गलत नहीं पढ़ाई है, कोई भी एजुकेशन से मैंने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो चलो ठीक है। लेकिन वो लोग देखते हैं चैनल पे, मेरे चैनल पे हो सकता है इस समय हूँ, है ना, देख रहे हो, तो मुझे ये बात कहनी है उनसे, या आप अगर उन टीचर को जानते हो तो ये कहें कि अगर वो अपना काम करें केवल दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय, और इतने दिन में केवल यही गलती उनको नजर आई है, मैंने करीब 25,000 क्वेश्चन करवा दिए यूट्यूब पे और ये गलती उनको मिल गई। हो सकता है कि और भी क्वेश्चन मैंने कभी गलत बता दिए हूं, है ना तो चलो ठीक है, मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ भी था, है ना,
मैं सोच रहा था कि एक वीडियो ही पहले बनाऊं और सेशन आज का कैंसिल कर दूं, लेकिन मैंने कहा तुम लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी बात बता दी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया है, बस मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो बात मैं मान रहा हूँ बार बार कि मुझसे गलती हुई है। इस बात को लेके कि एंकाइलोस्टोमा एनसीईआरटी में दिया गया, मैंने बस ये कह दिया कि ये नहीं दिया गया है, इस बात की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुक सकता है, ठीक है। इस बात की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुक सकता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी नीट में सवाल नहीं आएगा कि एंकाइलोस्टोमा एनसीईआरटी में दिया गया या नहीं दिया गया। ये मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती मान रहा हूं, लेकिन अब इसको फालतू में बहस का मुद्दा बनाना, है ना, या फिर अलग अलग ग्रुप पे भेजना और फिर अलग अलग बच्चों को इस बारे में बरगलाना, ये तो गलत चीज है ना। और आप जितना मेरी टांग खींचोगे ना, आप मेरा प्रचार ही कर रहे हो। मैं ये भी मानता हूं कि जो बच्चा अभी तक नहीं जानता था, जब आप अलग अलग ग्रुप में मैसेज करोगे भेजोगे कि ये देखो ये अपने चैनल पे क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा इस चैनल को देखने आएगा और इससे चैनल और ग्रो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, हम लोग अपना काम करते हैं, लोगों को अपना काम करने दो। ये मेरे चैनल का फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी है ना, बिना पैसा खर्च किए हुए। चलो ठीक है, मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, है ना। तो चलो ठीक है, बदनामी से नाम से, और तुम लोग मेरे इतने चाहने वाले हो, है ना, तो मुझे क्या। और जो गलती मैंने की वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, है ना। अब कुछ लोग ना तो खुद काम करते हो ना ही दूसरे को करने देना चाहते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे आपके भी कुछ दोस्त होंगे ना, पढ़ेंगे और ना तुमको पढ़ने देंगे, कहेंगे चलो पिक्चर दिखाएं, या फिर वाली पुस्तक भी डाल देते थे कमरे में, 3 इडियट्स वाली, याद है। नाम होना चाहिए, लेकिन गलत चीज में नाम नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, ये बात तो। मतलब मैंने 8 साल मेहनत की है, उसके बाद ये नाम थोड़ा सा बना है, इतनी सारी बुक्स मैंने लिखी हैं, है ना, और पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार यूट्यूब पे काम करें, कितना सारा वर्क कर रहे हैं। आप देखिए कि मेरी पूरी टीम करीब इस समय करीब 14 लोग काम कर रहे हैं इस टीम में, है ना, और ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं, जल्दी ही 3-4 दिन में ऐप भी मैं अनाउंस करूंगा, है ना। उस ऐप पे बहुत सारे टेस्ट और ये सारी चीजें आप दे पाएंगे, तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उस ऐप को बनाने के लिए 5-6 लोग लगे हुए हैं, अगर तुम लोग चाहो तो उस ऐप वाले ग्रुप में भी तुम लोग को जोड़ दूं। दिन भर में कम से कम 1000 बार उसमें मैसेज आता है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, है ना। तो चलो ठीक है, ये भी बीच बीच में मोटिवेशन आता रहता है। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो प्रतीक, कोई बात नहीं। नहीं तो अगर अगर ये लोग अपना अपना काम करें तब भी तो ये बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने में एक वीडियो या 10 दिन में एक वीडियो या हफ्ते भर में या कुछ दिन करते हैं फिर बंद कर देते हैं। हम लोग ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, और जब आप कंटिन्यूअसली काम करते हैं तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप ये नहीं कि महीने भर में एक वीडियो डालेंगे और आप सोचेंगे आप यूट्यूब पे एकदम बादशाह बन जाएं, ऐसा नहीं पॉसिबल, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, है ना। हमने भी 1 सब्सक्राइबर से शुरुआत की, आज से 4 महीने पहले 6000 सब्सक्राइबर थे, अभी 33000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये ग्रोथ धीरे धीरे होती है और इसके लिए काम करना पड़ता है, है ना, ये अपने आप नहीं हो जाता। और ना ही कुछ यहाँ पर ऐसा है कि हम प्रमोशन के द्वारा अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, सब ऑर्गेनिक रीच के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और लाइव सेशन में 100 बच्चा पढ़ रहा है। हमारे पास 33000 सब्सक्राइबर और लाइव सेशन में 200, 300, 100, 50, है ना, 250 ऐसे बच्चे रहते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, काफी बातें हो गई, मैंने अपनी अपना गुस्सा निकाल लिया, ठीक है। भगवान उन सबका भी भला करे और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उससे किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। मेरी बात अगर किसी भी टीचर को बुरी लगी हो तो मैं उससे माफी भी मांगता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें कई टीचर ऐसे जिनसे मैंने पढ़ाई भी की है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और अब उनको ये लग रहा है कि उनका स्टूडेंट उनसे आगे निकल रहा, तो अब उनको दिक्कत हो रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे ज्यादा ग्रोथ करेगा तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए सर शुरू करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा, अलग अलग यूनिट के, अलग अलग चैप्टर के, मजा आएगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं,
फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी नाम आ ही जाता, वो निकल जाता मुझसे, मैं क्या करूँ, है ना। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मैंने आज तक यूट्यूब पे पढ़ाते हुए या फिर अपने क्लासरूम में पढ़ाते हुए ना किसी टीचर की बुराई की है ना किसी टीचर की अच्छाई की है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। आप सबने क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, यूट्यूब पे मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी टीचर का नाम नहीं लिया आज तक, है ना। लेकिन अब कुछ लोग दूसरों के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, जिनका बायो से कोई मतलब नहीं, उनसे उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये सब काम करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इससे बदनामी नहीं हो, क्योंकि बच्चा समझता है। अगर एक बच्चा ऐसा बुरा भी है मेरा चाहने वाला, तो 250 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा भी चाहते हैं, है ना। चलिए तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज मॉलिब्डेनम सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम। इसके लिए कोड मैंने बताया था मोशन करो, है ना, मोशन करो, मोशन मोशन ऐसे लिखना है, मोशन करो के। अच्छा, मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन केवल अगर मोशन आया तो डिले फ्लावरिंग, मोशन आया तो डिले फ्लावरिंग, और मोशन करो आया तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और अगर ये आया कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर एंड पोटेशियम, है ना, तो इससे होता है नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू। इसके लिए कोड मैंने बताया था, किसी को याद आ रहा है, इसके लिए कोड मैंने बनाया था काकू मुझको। ये कोड मैं पब्लिकली बताता नहीं हूं वैसे, है ना, क्योंकि तो थोड़ा सा ऑड लग सकता है। काकू मुझको नेकर जानते हो तुम लोग, इसीलिए मैं नहीं बताता हूं कोड। नेकर ला दो, काकू मुझको नेकर ला दो। तो काकू क्या है, काकू ऐसे लिखोगे, काकू मुझको, मुझको नेकर मतलब नेक्रोसिस, पर लादो का मतलब कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो काकू मतलब कैल्शियम कॉपर, मुझ मतलब मैग्नीशियम, को मतलब पोटेशियम, और नेक्रोसिस मतलब नेक्रोसिस। अच्छा तो नहीं देखो, ये मेरा खुद का बना हुआ कोड, आपके कोड अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कोड मैं इसीलिए पब्लिकली नहीं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चों को और लग सकता है ना। हाँ, आपके कोड हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने इस तरीके से याद किया, मोशन मोशन करो, है ना, और काकू मुझको निकल ला दो, तो इस तरीके से मुझे। आधे कुछ बच्चे बता रहे हैं काकू मांगे कैटरीना। हाँ, लेकिन बाद में बेटा ये भी तो पता होना चाहिए कि काकू मांगे कैटरीना मांगे तो, लेकिन किसके लिए मांगे, फिर तुम नेक्रोसिस याद रखोगे या डिले फ्लॉरिंग उसके लिए करोगे, तो इस कोड में सारी चीजें आ जाएंगी। कोड तो बहुत है, लेकिन कुछ कोड बताए नहीं जा सकते तुम लोगों को, है ना, वो खुद के लिए होते हैं केवल। तुम लोग भी ऐसे कोड बनाते हो कुछ, है ना, जो बता नहीं सकते हो, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन प्रोड्यूसेस किरेटो मलेशिया, किरेटो मलेशिया, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से किरेटो मलेशिया नाम की डिजीज होती है। काकू काकू मांगे कैटरीना, अपने लिए मांगे। अच्छा, किरेटो मलेशिया विटामिन डी। मैं अंदर से उतना खुश हूं नहीं वैसे आज, है ना, जितना मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मजा भी आ रहा है, कभी कभी मजा भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेन एंड एग्रोज जेल टू विजुलाइज डीएनए फ्रेगमेंट। तो डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं। पूरी एनसीईआरटी आज आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। कलुआ मांगे कैटरीना। दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर के, देखिए ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आपका था प्लांट फिजियो का, फिर आपका आ गया ह्यूमन फिजियो का, फिर आपका आ गया बायोटेक का, फिर क्वेश्चन आ गया सेल का। चलिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सिनेप्सिस कब होती है बेटा, सिनेप्सिस होती है जाइगोटिन में। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन G2 फेज। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज का काम कब होता है, क्रॉसिंग ओवर पेगिटिन में।
क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिन मूव टुवर्ड्स अपोजिट प्रोसेस. सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट. सेंट्रोमियर कब सेपरेट नहीं होता है? एनाफेज वन में. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. हाँ, चिंता तो बेटा मैं नहीं करता हूं, तुम लोग साथ में हो, चिंता करने की कोई बात नहीं. जब बच्चों का हो साथ तो चिंता की क्या बात. तो चिंता तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूं, लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर किसी के बारे में फैलाई जाती तो थोड़ा दुख तो होता ही है. कि अगर मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, अगर बच्चे ऐसा काम करें तो अब तो बहुत गलत है. टीचर अगर ऐसा कर रहा तो चलो ठीक है, उनकी बात मुझे समझ में आती कि वो क्यों कर रहे हैं वैसा, लेकिन बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन कभी दी. और कोई भी टीचर खुद कोशिश नहीं करेगा कि कोई बात गलत बताए किसी को. कोई टीचर अपनी बदनामी क्यों कराना चाहेगा? खुद सोचो, ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? वो दिमाग से मेरे स्लिप हो गया उस समय, ये बात है ना. और ये किसी से भी हो सकता है बेटा. हाँ ऋषभ, बिल्कुल. जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट. दिस टॉक्सिन जीन आर डिराइव फ्रॉम. ये टॉक्सिन जीन कहां से डिराइव किए गए? बैसिलस थोरनजेंसिस से. क्वेश्चन नंबर 6, डॉर्सल रूट गैंग्लियन. डॉर्सल, बहुत बढ़िया सवाल है. डॉर्सल रूट गैंग्लियन कैसा होता है? ये क्वेश्चन कहां का है बेटा? जो आप पढ़ते नहीं है, रिफ्लेक्स सेक्शन है ना, रिफ्लेक्स सेक्शन. उसमें जाके फिगर में एनसीईआरटी का देखिएगा, उसमें आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन दिखाया गया है. और जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, दैट इज, जल्दी बताओ बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज सेंसरी इन नेचर. सेंसरी नेचर का होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन. सेंसरी नेचर का होता है. इसी के द्वारा जो रिसेप्टर होता है उससे संदेश स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन मेथड डेवलप्ड बाय. ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कहाँ यूज करते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है. और ये मेथड किसने डेवलप किया? ये मेथड डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने. इफ डीएनए कंटेंट ऑफ ए डिप्लॉयड सेल इज जेड इन द जी1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, देन डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एज द मेटाफेज 1 विल बी. ध्यान दीजिएगा, मेटाफेज 1 में आपसे पूछा है, अगर जेड था जी1 फेज में तो मेटाफेज 1 में कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये. क्वेश्चन नंबर 8, जी1 फेज में जेड अमाउंट था, तो जी1 के बाद एस फेज आएगी तो 2Z हो जाएगा. इसके बाद G2 आएगी, 2Z ही रहेगा. इसके बाद M फेज आएगी, M फेज में प्रोफेज मेटाफेज आएगी, वहां पे 2Z रहेगा. तो डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा? 2Z रहेगा, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही मेटाफेज आएगी. सिंथेटिक ऑक्सिन आर यूज्ड फॉर. सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज किसके लिए करते हैं? सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है बेटा? जैसे नेप्थिलीन एसिटिक एसिड हो गया, 2,4-D. और 2,4-D की अगर हम बात करें तो इसका यूज करते हैं किसके लिए? वीडी साइट के रूप में. आप बताओ, मोनोकॉट वीट को किल करता है या डाइकॉट वीट को किल करता है? ये मोनोकॉट को किल करता है या डाइकॉट वीट को किल करता है? अब तो मुझे बोलने में भी डर लगता है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ये एनसीईआरटी में कुछ लोग अब हर बात पे सवाल उठा सकते, कहां पे लिखा हुआ है दिखाइए जरा. यस, डाइकॉटलेडनस वीट को किल करता है, मोनोकॉट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. डाइकॉट को किल करता बेटा, मोनोकॉट को नहीं, डाइकॉट को किल करता है. इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय. वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है. वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होता है वो इन्फेक्शियस होता है, ये बात किसने बताई थी? यस, हाँ, अब तो मुझे मतलब सोचना पड़ेगा इस बारे में. आरिफ कह रहे हैं कि ये लोग जल्दी 50 के सब्सक्राइबर करवा देंगे. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. अच्छा, मैं फ्रीली बोलूं है ना? अरे नहीं, ये वीडियो फिर रिकॉर्ड करके फिर इधर उधर करेंगे वो लोग, क्या बोलूं. चलिए, तो बेटा वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है. हर्शी एंड चेस अनइक्विवोकल प्रूफ वाला पॉइंट है ये, है ना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया, प्लांट डिजीज विच इज नॉट कॉज्ड बाय अ फंगस इज.
इनमें से कौन सी बीमारी जो फंगस कॉज नहीं करता? रेड रॉट ऑफ सुगर केन, कोलिटो ट्राइकम, फंगस से होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फंगस से होता है। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया, फंगस से होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। चलिए, यहाँ पर कर्व आपको दिया गया बेटा, ये आपको यहाँ पर एक्सिस दी गई है और आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक्स और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली एक्स एक्सिस है और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस हो जाएगी। तो वाई एक्सिस क्या बताती है और एक्स एक्सिस क्या बताती है? हाँ, बिंदास रहना चाहिए बिंदास रहिए, जलने वाले में जलाते रहिए। अच्छा प्रसन्न करें, बहुत तेज से गाली आ रही है हमें गाली सुसु है क्या, बहुत तेज से आ रही है। चलो, चार डिसलाइक है और डिसलाइक भी बच्चा तो करेगा नहीं, कम से कम पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं करेगा, है ना। मतलब इसमें मैं कौन सी गलत चीज पढ़ा रहा हूँ, कौन सी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ? ये पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, ये फ्रेम क्वेश्चन है सारे, है ना। चलो ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट को, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो सी आंसर हो जाएगा। सी किया आपने? नहीं, एक मिनट, 12 का आंसर हाँ ए होगा बेटा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, ए ऑप्शन सही होगा बेटा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है बेटा। 12 पे के बाद चलते हैं 13 पे। 13 में आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर फॉरेन जीन ट्रांसफर इन प्लांट, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे व्हीकल, व्हीकल मतलब वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए। और ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है। चलो, तो प्लांट में किसका यूज करते हैं बेटा? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज करते हैं, ठीक है। 14, प्रोटोकॉल, पी प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद ओजोन डिप्लीशन व्हाइल क्यू प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इफेक्टिव फ्रॉम आर हेयर पी क्यू आर आर। तो आपको ये बताना है कि ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है बेटा? ओजोन डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। फिर क्यों मैं आपसे कहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से इफेक्टिव हुआ? 1989 से इफेक्टिव हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, 14 में बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमंग मस्टर्ड, ग्वावा, ककंबर, चाइना रोज, प्लम, ब्रिंजल, रोज, पीच, एलॉय, पिटूनिया एंड ट्राइफोलियम, और कोई बचा नहीं था। हाउ मेनी ऑफ दिस प्लांट बिलोंग टू फैमिली सोलनेसी, इनमें से कौन सी सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, कितने मेंबर ऐसे हैं? हाँ रे सब, थैंक यू बेटा, तुम ही लोग तो हिम्मत देते हो बेटा, है ना। चलिए, 15 क्वेश्चन में आपने काउंट किया बेटा। चलिए देखते हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड तो सोलनेसी का नहीं बेटा, ये तो किस फैमिली का मेंबर है? मस्टर्ड क्रूसीफेरी का है, ग्वावा भी सोलनेसी का मेंबर नहीं, ककंबर कुकरबिटेसी का, चाइना रोज मालवेसी का है, प्लम भी इस फैमिली का नहीं, ब्रिंजल सोलनेसी का है, रोज रोजेसी का है, पीच भी यहाँ पे नहीं, एलॉय लिलिएसी का है, पिटूनिया, पिटूनिया सोलनेसी का है, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम भी सोलनेसी का मेंबर है। तो कितने मेंबर हो गए बेटा? 3 हो गए ना, 3 मेंबर हो गए, सही है। नहीं, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम सेस्बानिया, ट्राइफोलियम ये भी फैबेसी का मेंबर है ना बेटा,
फेबेसी, मेरा दिमाग भी आज काम नहीं कर रहा है। तो दो ऑप्शन केवल ब्रिंजल और पिटूनिया जो आपको मिले ये केवल सोरेनेसी के हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है, ट्राइफोलियम ठीक है, ठीक ट्राइफोलियम सेजवानिया ट्राइफोलियम, हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बेटा, दो ही मेंबर हैं। जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमिगैली आर द टू डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, ये दोनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ब्लैकनिंग ऑफ एक्सपोज्ड यूरिन इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जब वो उनकी यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है तो वो काली पड़ जाती है, और इसका रीजन आपसे पूछा गया, तो इस बीमारी का नाम है एलकैप्टोन्यूरिया। एलकैप्टोन्यूरिया, और एलकैप्टोन्यूरिया क्यों होता है? क्योंकि उनकी यूरिन में होमोजेनेटिसिक एसिड होता है, और होमोजेनेटिसिक एसिड जब एयर में आती है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से यूरिन का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फिनाइलकेटोन्यूरिया नहीं बेटा, ये एलकैप्टोन्यूरिया है। फिनाइलकेटोन्यूरिया तो अलग होता है बेटा, होमोजेनेटिसिक एसिड या एलकैप्टन भी कहते हैं उसे। चलो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोपोरेशन एज, इलेक्ट्रोपोरेशन। सैम थैंक यू बेटा। इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में आपसे पूछा गया, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। मेकिंग ट्रांजिएंट पोर इन सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं, बायोटेक का क्वेश्चन है ये। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, एज मीन एनुअल टेम्परेचर मतलब मैट, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बारिश मतलब मैप, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक तो बेटा अगर आप देखें तो बारिश सबसे ज्यादा होती, और ये डेटा एनसीईआरटी से ही लिए गए फिगर से, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको डेटा दिया गया है 18 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मैट, और मैप की वैल्यू होती है 150 से 400 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द कॉलम, चलिए कॉलम मैच करिए, बहुत आसान सा 5 सवाल के बराबर ये। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम कहां पर है? पोटैटो में। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल कहां पर होता है बेटा? स्टेम टेंड्रिल पाया जाएगा कुकरबिट में, कुकम्बर हो गया जैसे। स्टेम थॉर्न कहां पर हो जाएगा? सिट्रस में। फ्लैटेंड स्टेम कहां पर होगा? अपुंशिया में। और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम कहां पर होगा? यूफोर्बिया में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए को 3 से मैच कराया, बी को 5 से, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्लियर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एज कंपेयर्ड टू मोनोकॉट रूट, ए डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट के कंपैरिजन में डाइकॉट रूट में क्या होता है, ये पूछा गया कि डाइकॉट रूट में कौन सी ऐसी चीज होती है जो मोनोकॉट रूट से उसे अलग करती है। तो मोनोकॉट रूट में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल या जाइलम बंडल होते, 6 से ज्यादा, और डाइकॉट रूट में 2 से 4 होते, मतलब कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या कहोगे? फीवर जाइलम बंडल। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल का जो नंबर होता है वो कम होता है बेटा, मोर अबंडेंट नहीं बेटा, मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम नहीं, फीवर जाइलम बंडल आप करोगे, ठीक है, फीवर जाइलम बंडल आप आंसर करोगे। स्टेप इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इंक्लूड पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू, नॉन साइक्लिक क्या है? जेड स्कीम, जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब जेड स्कीम। तो जेड स्कीम में आपसे पूछा गया है यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में कि जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो किस सीक्वेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए,
तो प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन PS1 FRS और इसके बाद फिरिडॉक्सिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में कंप्लीट सीक्वेंस आपको दिया नहीं गया। क्राई टू कैट सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोसोमल चेंज इन्वॉल्विंग। क्राई टू कैट सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोसोमल चेंज इन्वॉल्विंग, इसे कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, कैट क्राई सिंड्रोम, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कैट क्राई सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम। तो कैट क्राई सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है ना, शॉर्ट आर्म है ना, उसमें डिलीशन हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट आर्म को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और -5P- ऐसे याद कर सकते हो। तो डिलीशन की वजह से बीमारी होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन डबल, ये तो आज ही मैंने सुबह कराया एनटीए के मॉक टेस्ट में। ये एनटीए के मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन था कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितनी न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई, दो मेल गैमेट की न्यूक्लियाई और एक फीमेल गैमेट की न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने हो गए, 5 गैमेट हो गए। तो सुबह ही बताया गया था, मैंने कहा था रट्टा मत मार लेना। मिनीमाटा डिजीज किसके द्वारा होती है, मरकरी की वजह से। एम फॉर मिनीमाटा, एम फॉर मरकरी। इटाई इटाई कैडमियम की वजह से होता है। ब्लैक फूट डिजीज आर्सेनिक की वजह से होता है। मॉटलिंग ऑफ टीथ फ्लोरीन के टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में सब पॉइंट नहीं दिए गए लेकिन आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 26। ये एकदम नीट के लेवल का पेपर है बेटा, जैसा नीट में पूछा जाता है उस तरह का पेपर, ये आप कह सकते हो कि हाँ नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। सही है, बिल्कुल। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड इन्फेंट अप टू 6 ईयर। 6 ईयर नहीं बेटा, ये 6 मंथ होता है। दैट कंडीशन इज नेम्ड एज, इस कंडीशन का नाम आप बताओ कि 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती, इस कंडीशन का नाम आपको बताना है। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सही है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। 1 वीक नहीं बेटा, 3 डेज या 72 आवर्स, 3 डेज। तो इसका मतलब दो ऑप्शन सही है, ए और सी सही है, मतलब ए करेक्ट आंसर होगा। हाँ, दैट इज नेम्ड एज, नहीं बेटा, हाँ केके ने बताया लैक्टेशनल एमिनोरिया, विजेंद्र ने सही बताया है, लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं, मोहम्मद शोएब, बिल्कुल। प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट, बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यूज किसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 27, किसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, इम्फाइसिमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता है बेटा। इम्फाइसिमा ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। चलिए, यहाँ पर आपको बेटा कुछ फिगर दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये आपको ए दिया गया है, ये आपको बी दिया गया है और ये आपको सी दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के फिगर हैं बेटा, तो जल्दी से बताइएगा इस यहाँ पर क्या सही है। देखिए, ए जो ए आपको दिया गया है वो दो ऑप्शन में एडिनिन है, दो में एडिनोसिन दिया गया है। तो बेटा आप देखिए, इस ए फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये एडिनिन का फिगर, एडिनिन बेस का, तो मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, अब बचे दो ऑप्शन। अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पर एडिनिन दिया गया है और बाकी जो ये फिगर आपको दिखाया गया, ये क्या है, सुगर है ना, ये राइबो सुगर आपको दिखाई गई। तो राइबो सुगर और एडिनिन बेस, सुगर और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड, उसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए, ये सुगर हो गई, ये बेस हो गया और इधर फॉस्फेट, सुगर बेस फॉस्फेट तीनों मिल गए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और इसका नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तीनों फिगर एनसीईआरटी से लिए गए हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, कौन सा फीचर यहां पर प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29, फोटो रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिस्म तीनों में होता है, कंजर्व एनर्जी एज एटीपी, नहीं बेटा यहां तो एटीपी का लॉस होता है, अकर इन द डार्क, फोटो रेस्पिरेशन लाइट में होता है, नो एटीपी सिंथेसिस, ये सही, एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती बल्कि एटीपी का लॉस होता है बेटा यहां। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया क्या? चलिए 30 देख लीजिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत आपको बताना है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 30 में आपको कहा गया फोटोसिंथेसिस इन एनाबिना ऑस्लेटोरिया एज वेल एज हिबिस्किस इज ऑक्सीजनिक, ठीक है, ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, कैसे, एनाबिना और ऑस्लेटोरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिनमें क्लोरोफिल ए होता है और हिबिस्किस तो प्लांट ही है, तो जहां पर भी क्लोरोफिल ए होगा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। ऑल एंजियोस्पर्म आर फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑल एंजियोस्पर्म आर फोटो ऑटोट्रॉफ, सही है, सभी एंजियोस्पर्म फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, नहीं बेटा कस्कुटा हो गया है ना, इसका नेपेंथिस की आप बात करें उनको पार्शियली पार्शियली ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। सुगर केन एंड मेज आर सी फोर प्लांट, ये सही है, केल्विन साइकिल इज प्रेजेंट इन बोथ सी3 एंड सी4 प्लांट, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि कुछ प्लांट पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है, मोस्ट एंजियोस्पर्म आर फोटोऑटोट्रॉफ। वाइब्रेशन ऑफ फेनेस्ट्रा ओवेलिस आर ट्रांसमिटेड टू, फेनेस्ट्रा ओवेलिस को क्या कहते हैं, ओवल विंडो कहते हैं, राउंड विंडो, हाँ एक्सेप्शन है बिल्कुल बेटा, ठीक है सरिता, फेनेस्ट्रा ओवेलिस को राउंड विंडो कहते हैं या ओवल विंडो कहते हैं, ओवेलिस नाम पे देख लो, राउंड दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो, यस ओवल विंडो इसे कहा जाता है बेटा, है ना, ओवल विंडो, ठीक है, हाँ बबीता बिल्कुल बेटा सही है, ओवल विंडो कहते हैं, कह रहे हैं कि वाइब्रेशन जो होते हैं ओवल विंडो के, जो वाइब्रेशन होते हैं ये वाइब्रेशन कहाँ पर जाते हैं, तो ये वाइब्रेशन जाते हैं पेरी लिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, पेरी लिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई तक जाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक क्रॉस बिटवीन टू हेटरोजाइगस इंडिविजुअल विल यील्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल, दो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल अगर हैं और इनके बीच आप क्रॉस कराओगे तो पूछ रहा कितने होमोजाइगस इंडिविजुअल बनेंगे, तो दो तरह के गैमेट यहाँ बनाओगे, दो तरह के गैमेट यहाँ बनाओगे और फिर इनके बीच में आप क्या करोगे, क्रॉस कराने के लिए पनेट स्क्वायर का यूज करोगे, अब जब पनेट स्क्वायर का यूज करोगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, अब आप देखो होमोजाइगस एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, ये दोनों कैसे हेटरोजाइगस हैं, तो अगर आप कभी भी दो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस कराओगे तो आपको हमेशा दो होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल मोनोहाइब्रिड के लिए नहीं, अगर आप कैपिटल आर अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराओगे ना, तो इस केस में भी दो ही होमोजाइगस मिलेंगे, यानी एक पहला वाला आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और एक 16 नंबर वाला जो आखिरी वाला होगा वो आपको होमोजाइगस मिलेगा, तो ये मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड सभी के लिए कंडीशन में आपको बता रहा हूं। चलिए यहां पर कुछ पैथोजन आपको दिए गए और उनसे होने वाली बीमारियां आपको बताई गई। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए देखिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी निमोनिया कॉज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, अमीबियासिस कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलिग्नेंट मलेरिया उचरेरिया पैनक्रॉफ्टाई एलिफेंटियासिस साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड, तो यहां पर तो एक ही ऑप्शन मैच कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, 33 का आंसर क्या गया,
बी आंसर आपका आ गया। 34 पे चलते हैं। 34, ए रेंज ऑफ कंडीशन दैट द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इट यूटिलाइजेज एंड ए डिस्टिंक्ट रोल दैट इज प्लेज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड इट्स। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लैंग्वेज है जिसे एनसीईआरटी ने ऐड किया था बाद में। बहुत सारे टॉपिक ऐड किए, जैसे प्रियॉन्स का टॉपिक ऐड किया, वैसे ये टॉपिक भी ऐड किया है, दैट इज नेम्ड एज इकोलॉजिकल नीश। इसे इकोलॉजिकल नीश के, नीच नहीं, नीच लोग तो अलग होते हैं, यह इकोलॉजिकल नीश। एक तो हैबिटाट होता है और एक नीश होता है। हैबिटाट में केवल हम ऑर्गेनिज्म के रहने के प्लेस के बारे में बात करते हैं, नीश में हैबिटाट के साथ उसके फंक्शन को भी ऐड किया जाता है, दैट इज नीश नॉट नीच। इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए ग्रुप, फिशेज 1, 2 एम्फीबियन, 3 रेप्टाइल, 4 बर्ड, 5 मैमल, 6 प्लांट एंड 7 इनवर्टिब्रेट। तो करें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं संदीप बेटा, दो स्पीसीज के लिए नीस नीस सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, दो स्पीसीज का नीस अलग होगा। इसमें डिसलाइक करने वाली कौन सी बात है, लेकिन अब चार लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। चलो तो इसमें बता सकते बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा आपको लेना है, तो इनवर्टिब्रेट की कितनी जातियां हैं अब मुझे बताते चलो साथ में। इनवर्टिब्रेट की जातियां हैं 125,000, 125,000 इनवर्टिब्रेट की जातियां हैं, तो ये सातवां हो गया इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट के बाद प्लांट आ जाएंगे, प्लांट की कितनी जातियां हैं, प्लांट की 30,000 जातियां हैं अमेजन फॉरेस्ट में, प्लांट की 30,000 जातियां हैं, ठीक है। अच्छा कनपुरिया लैंग्वेज में टोपा है, ठीक है, तो डेटा मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा दिमाग आज काम कर नहीं रहा बहुत। चालीस हजार प्लांट है 40,000, तो प्लांट 6 नंबर पे, ठीक है। प्लांट के बाद आ जाएगा, इसके बाद 3,000 फिशेज का नंबर है, 3,000 फिशेज है, फिशेज एक नंबर पे आ जाएंगी। फिर 1,300 बर्ड हैं, 1,300 बर्ड की स्पीसीज है बेटा। बर्ड किस नंबर पे दी गई हैं, 4 नंबर पे, 1,300 बर्ड हो गई। अब इसके बाद आ जाइए 427 एम्फीबियन है, 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। 427 मैमल भी है ना, 427 एम्फीबियन और 427 मैमल, तो 5 हो जाएगा। 378 रेप्टाइल है, रेप्टाइल किस नंबर पे दिया गया, 3 पे दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिला आपको डिसेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा शुरू करना है, तो 7, 6, 1, 4 अप टू 5 दोनों बराबर है, तो किसी को भी पहले ज्यादा कम रख सकते हो ना, लास्ट में 3 आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में पूरा डेटा आपको दिया गया, पूरा डेटा एनसीईआरटी में आपको दिया गया, ठीक है। मजे तुम लोग बहुत आ रहे हैं ना आज। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम एज, बताओ एनसीईआरटी में दिया गया या नहीं दिया गया है। बवाल इसी का केवल हुआ है, लेकिन इसकी वजह से कोई सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा कि मैंने ये कह दिया कि एनसीईआरटी में दिया गया नहीं दिया गया, तो इससे किसी का लॉस हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ये फ्री का प्रचार है बेटा, इसको तो मैं यही समझता हूँ, एक बार ऐसे भी कांड हो चुका है, और उस समय मेरे पास 1500 बच्चे थे, अगले साल 2500 हो गए कांड होने के बाद, खूब लोगों ने प्रचार किया मेरा।
एनसीईआरटी में दिया या नहीं दिया है तुम लोग बताओ, मैं क्या बताऊं, मुझे कहां कुछ आता है। एंथर और स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे मैच्योर होता है दैट कंडीशन इज नेम्ड एज होमोगैमी। होमोगैमी कहते हैं, एनसीईआरटी में होमोगैमी टर्म नहीं दिया गया। हाँ मैचुरेशन के बारे में कहा जरूर, लेकिन होमोगैमी, हाँ सेंटेंस दिया गया है लेकिन आपको होमोगैमी टर्म नहीं दिया गया। हाँ इंस्पेक्शन मैंने जरूर दिया है। अगर एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो तो उसे डाइकोगैमी कहते हैं। डिफरेंट टाइम पे अगर मैच्योर हो तो उसे डाइकोगैमी कहा जाता है। अब डाइकोगैमी दो तरह का होता है, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटेंड्री कहते हैं, और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई तो उसे प्रोटोगाइनी कहा जाता है। प्रोटो एंड्री एंड प्रो प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं। आउटब्रीडिंग डिवाइस उसे कहते हैं जो इनब्रीडिंग को या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करे, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करे। तो स्टिग्मा इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, कौन सा केस है ये, इस केस का नाम बताओ। ये जो केस है ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये भी। प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये बट आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर होगा तो इनब्रीडिंग ही होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, ये कंडीशन जानते हैं क्या है, अभी जो मैंने बताया प्रोटोगाइनी। स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती। तो सी ऑप्शन केवल आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है, है ना, बाकी है। अब जो ए है मैंने पूछा था क्या है, हाँ दैट इज, प्रतीक ने बताया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, गौरव ने बताया सेल्फ स्टरिलिटी, बिल्कुल इसे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टरिलिटी के नाम से जाना जाता है और ये एनसीईआरटी में दिया गया है, सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी। ये जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको बताया गया इसे कहते हैं डाइक्लाइनी, इसे डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का प्रोडक्शन क्लिस्टोगैमी कहलाता है। चलिए, इफ ओवरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर रिमूव्ड इन फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, देन अगर चौथे महीने की प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उसकी ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो। प्रश्न क्या बात है बेटा, चलो मूड सही कर लो तुम लोग, मैं ठीक हो गया एकदम। तो प्रश्न ने कितनी बढ़िया बात लिखी है ना, डर कम हो रहा है, डर बढ़ाना पड़ेगा। तो चौथे महीने तो क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप नॉर्मली टिल बर्थ। बेटा होता कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि शुरुआत के तीन महीने तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर है, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन तीसरे महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है और प्लेसेंटा बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा करने लगता है। तो तीसरे महीने के बाद अगर ओवरी हटा भी देंगे, चौथे महीने अगर हम ओवरी रिमूव करेंगे तो प्लेसेंटा तो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट ही करता रहेगा तो नॉर्मली बच्चा डेवलप होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहता बिफोर थ्री मंथ, तीन महीने के अंदर अगर ओवरी को रिमूव करेंगे तो उसमें प्लेसेंटा नहीं बना होगा, ओरी को हटाते ही कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है उसका सिक्रीशन ड्रॉप करेगा, प्रोजेस्टेरोन इज एंटी एबॉर्शन हार्मोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन ड्रॉप करेगा वैसे ही एबॉर्शन हो जाएगा। तो उस केस में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन तीन महीने के लिए आपसे पूछा जाए, दो महीने के लिए पूछा जाए, ठीक है। चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बेटा यहां पर। फाइंड करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये देखिए टोमेटो सेल या पोटैटो सेल। पहला है सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है बेटा, देखिए
सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, तो इसको कहां से मैच करोगे, सी से मैच कर दो। नेम ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस का नेम क्या है बेटा, प्रोसेस का नेम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का नेम क्या है, प्लांट का नेम है पोमेटो, प्लांट का नेम है पोमेटो। और फिर क्या कहा, टर्म यूज टू डिनोट सच प्लांट, ऐसे प्लांट को कौन सा टर्म देते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। तो पोमेटो एक सोमैटिक हाइब्रिड है, करेक्ट ऑप्शन क्या मिला आपको, ए करेक्ट ऑप्शन। 39 का ए होगा ना बेटा, बी क्यों कर रहे हो, 39 का ए करेक्ट ऑप्शन होगा ना, 3 का, अच्छा यहाँ 3 लिखना होना चाहिए, यहाँ 3 होगा, 3 का डी, अच्छा हाँ 3 का डी, 4 का ए है, 4 हाँ बी होगा बेटा, बी होगा, मेरा भी दिमाग बी होगा ना। अब तुम लोग ए करने लगे, इतने नालायक तुम लोग भी कम नहीं हो, अब मैंने ए क्या कह दिया, सब ए करने लगे, अरे अपनी बात पे रहो ना कि हाँ बी ही होगा, क्या तुम लोग हद करते हो, मैंने मतलब कुछ गलत भी बोल दिया तो तुम लोग उसका समर्थन कर देते हो, ऐसे थोड़ी होता है, इसको चमचागिरी कहते हैं नालायक। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तब तो गलत बोलो कि सर नहीं आप गलत बोल रहे हो, अपनी बात पे भी तुम लोग नहीं रहते हो, बहुत है नालायक हो, बहुत है नालायक हो, एकदम टोपा ही हो। बी ऑप्शन बेटा सही होगा। अब पता चला मैंने ए करवा दिया और ए तक उन्होंने वीडियो बनाई और फिर उसके बाद पब्लिश कर दिया कि ये देखो गलत पढ़ा रहे हैं, अरे भाई पूरा देख लो, दिमाग ही तो है, हो सकता मैंने बाद में सही करवा दिया उसको। यही होगा, मान लो कि अगर ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और किसी ने ए तक ही इसको रिकॉर्ड किया, जब मैंने कहा कि ए आंसर है, बस उतनी वीडियो बनाई और कहा ये देखो ये मास्टर है, इसे पढ़ाते हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, है ना, तो भाई ऐसे लोगों का क्या किया जाए। इन द ई कोलाई, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है ना लाइफ में, जब ऐसे मोमेंट आते हैं तो सिखा के जाते हैं आपको। इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, चाचा है कौन, मुझे ये नहीं पता चला आज तक, चाचा चाची तुम लोग करते रहते हो, एकदम टोपा ही हो क्या। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322R, लेकिन ये जो टोपा है ना, ये टोपा कभी भी टॉप कर सकता है ना, यही बात है। तो अच्छा सनोज कुमार पंडित करें कि आप चाचा, अगर मैं चाचा तो तुम बाबा है, अगर तुम ये बात मानने के लिए तैयार हो कि तुम बाबा हो तो मैं चाचा बन जाता हूँ। चलो PBR 322 में सेलेक्टेबल मार्कर पूछा, कर पा रहे हो तुम लोग, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर होता है। और ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो दो सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एन एक्वेटिक फूड चेन। चलो बताओ बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। चलो बेटा टाइम बहुत हो रहा है, अब थोड़ा स्पीड में कराते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुंच चुके हैं, शुरुआत में 15 मिनट तो ऐसे ही निकल गया। तो बायो मैग्निफिकेशन वाटर में 0.003 पार्ट पर बिलियन, मिलियन पे मत जाना, वाटर में बिलियन में होता है। जो प्लैंकटन 0.04 ppm, स्मॉल फिश 0.5 ppm, लार्ज फिश 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड 25 ppm, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से बढ़ो, विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज सीन इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम में कौन सा एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 42।
इस डायग्राम में कौन सा एस्टिवेशन आपको नजर आ रहा है? हाँ चलो फास्ट करो बेटा, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट विच ऑर्गेनेल अकर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, कौन सा ऑर्गेनेल प्लांट और एनिमल दोनों में, सेलवाल प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में, सेंट्रियोल एनिमल में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, थ्री ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 1, 2 एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली सर्कुलर, ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। एज्यूम दैट ऑल द थ्री हैव द सेम एरिया, विच ऑल द थ्री सराउंडेड बाय ग्रासलैंड ऑन ऑल साइड, विच फॉरेस्ट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव स्मॉलेस्ट इकोटोन। अच्छा तो यहाँ पे आपसे कहा है कि तीन फॉरेस्ट हैं, एक सर्कुलर है, एक ट्राइंगुलर है और एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर करें, सबसे स्मॉलेस्ट इकोटोन किस में होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इकोटोन किस में होगा? तो इकोटोन क्या होता है, जो दो कम्युनिटी के बीच में है ना, साझेदारी वाला जोन होता है। जैसे मैंने दो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनाए सर्कुलर वाले है ना, इनको आप देखो, दो ट्राइंगुलर में ले लेता हूं इस तरीके से, एक ये ट्राइंगुलर हो गया, दूसरा ये ट्राइंगुलर हो गया, ठीक, इनको मैंने इनका साझेदारी का एरिया बना दिया। फिर रेक्टेंगुलर आप ले लो, एक ये रेक्टेंगुलर ले लो, दूसरा ये रेक्टेंगुलर ले लो आप, है ना। तो आप देखो साझेदारी वाला जो एरिया है वो सबसे कम कहां पर होगा, जो यहां पर ट्राइंगुलर, जो ट्राइंगुलर शेप में, जो ट्राइंगुलर शेप में आप इकोटोन देखेंगे उसका जो एरिया होगा स्मॉलेस्ट इकोटोन कहां पर बनेगा, ट्राइंगुलर में, ठीक है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, दीज आर नाइट्रोजनस वेज, बिल्कुल तीन, दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, नहीं बेटा, लार्ज अमाउंट तो अमोनिया के लिए चाहिए, दे आर इक्वली टॉक्सिक, नहीं बेटा, दे आर प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, ये किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, नहीं बेटा, यूरिया तो आप जानते हैं लीवर में प्रोड्यूस होता है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर कॉमन है, बाकी सब तीनों ऑप्शन कॉमन नहीं है। 46 पे आ गए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, पहला काउंटर करंट सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट इन डाइल्यूटिंग यूरिन, नहीं बेटा ये कंसेंट्रेट करने के लिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन टेक प्लेस इन पीसीटी, बिल्कुल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन 125 ml/min, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अपोज बाय कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है, गलत ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, इन चारों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस कंट्री में है, दैट इज ब्राजील, क्योंकि ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को कवर करता है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को कवर करता है, इसलिए मैक्सिमम डाइवर्सिटी ब्राजील में हो जाएगी, दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ब्राजील में होगी। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इट चेंज टू बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थ्रू, करें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड BPGA में चेंज होता है किस तरीके से, अब ये एल्डिहाइड है और एसिड में चेंज हो रहा, तो अंदाजा लगाओ कि एल्डिहाइड एसिड में कैसे चेंज होगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ है बाई फॉस्फो, तो एक फॉस्फोरस था, यहाँ दो फॉस्फोरस हो गए, तो क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन, दिमाग लगाओ कि अपने आप आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। चलो इसको पहचानो, क्या आपको दिखाया गया, इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये देखो नाइट्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो पहचान लो जल्दी से, नाइट्रोजन से अगर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ड्यूरिंग रेस्ट सोडियम पंप ऑफ ए नर्व रिजल्ट इन, ड्यूरिंग रेस्ट, रेस्ट का मतलब है पोलराइजेशन की स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेज में, पोलराइज स्टेट की बात कर रहा है, रेस्टिंग मतलब पोलराइज स्टेट की बात हो रहा है बेटा, पोलराइज स्टेट में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 450, क्वेश्चन 50, मोर सोडियम आयन पंप आउट देन पोटेशियम आयन इन, देखिए तीन सोडियम आयन जो होते हैं, तीन सोडियम आयन बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम आयन जो होते हैं वो इन आते हैं, तो ए ऑप्शन यहां पर रेस्टिंग कंडीशन के लिए सही होगा, इस कंडीशन में
सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। टू डोमिनेंट इनडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन रिएक्ट विद ईच अदर, दे आर टू डोमिनेंट इनडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन। ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, इनडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन आपसे कहा है, इनडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन, मतलब दो अलग अलग जीन के बारे में बात हो रही है और कह रहा कि अगर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दैट इज नेम्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कुछ रेशियो मैंने आपको बताया। चलिए यहां पर आपको बताना है कि रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए के लिए कौन सा सही फिगर आपको दिया गया, डीएनए के रेप्लीकेशन के लिए कौन सा फिगर यहां पर सही है। पहला वाला ऑप्शन आप देखिए, पहले वाला ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये रेप्लीकेशन फॉर की तरफ से आप पढ़ोगे तो 5' से 3' वाला है, 5' से 3' है और ये 3' से 5'। तो जो 3' से 5' होगा बेटा उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये 5 से 3 वाले पे बनेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखिए ये 3 से 5 आपको दिया गया, 3 से 5 वाले पर ये देखिए यहां पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ये सही है। और 5 से जो 3 दिया गया बेटा उसमें डायरेक्शन इधर से होगी, ये डायरेक्शन यहां गलत दिखाई गई, यहां पर 3 आपको दिया गया और इधर भी 3 है तो एकदम ही गलत हो गया। डी को देखिए, ये 3 to 5 आपको दिया गया, जो 3 to 5 है इसमें 5 से 3 की डायरेक्शन में होगा, और जो 5 to 3 है बेटा, 5 to 3 जो आपको दिया गया है इस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, नीट में आपसे पूछा गया, नीट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिगर एनसीईआरटी में दिया गया, एक बार चेक कर लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, म्यूल इज डेवलप बाई इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सही है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ऑफ बीज कॉल्ड सॉम, ये भी सही है। For the herd improvement, cross breeding is used. Cross breeding, herd improvement के लिए use करते हैं Moet का। Bees are the pollinator of apple, brassica, pear and sunflower. ये भी सही। In Moet fertilized egg at 6 to 8 cell stage is recovered non-surgically. Fertilized egg at 8 to 32 cell stage, 8 से 32 cell stage. तो कौन सा correct option हो गया? 1, 2, 4 करेक्ट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। समझ में आया? द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस एज फाउंड बाय एवरी मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी वाज, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी के अनुसार ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था या पॉलीसेकेराइड था। एवरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी ने किस ईयर से किस ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था, यह भी जल्दी से कमेंट करके बताओ। इनके हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए था। ग्रिफिथ के हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, आप बताइए। ग्रिफिथ के हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, बताओ बेटा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया 1933 से 1944। मैंने पूछा ग्रिफिथ के हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, अनुराग ठीक है बेटा, वेरी गुड। नैंशी 1933 से 1944। अहमद अब्दुल्ला बेटा डीएनए नहीं, हाँ तारिक, तारिक ने कहा नथिंग, बिल्कुल। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, वो इस चीज को नहीं बता पाए थे, ठीक है। ग्रिफिथ ने डिफाइन नहीं किया था इस बात को। क्वेश्चन नंबर 55, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन डन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, एमआरएनए साइलेंसिंग याद है ना, एमआरएनए इंटरफेरेंस का तरीका किसके लिए, नेमेटोड मिलोटिक एंड इनकॉग्निशिया के लिए यूज किया गया। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस। स्टैटिन, स्टैटिन का यूज कहां पे करते हैं बेटा, करेक्ट मैचिंग आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। स्टैटिन को कहां पर यूज करते हैं, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है, और साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट में यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56 के लिए सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। सारे ऑप्शन मैच नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा।
For transgenic corn, the corn borer is controlled due to cloning and expression. Corn borer को control करने के लिए कौन सा क्राइजिन बहुत बार मैंने कराया है, बहुत बार मैंने आपको कराया है, तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, क्राई वन ए बी का यूज किया जाता है, क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी, ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से ऑर्गेनेल हैं जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एनर्जी में बदलाव करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फूड में जो एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया उसे एटीपी में चेंज करता है, क्लोरोप्लास्ट जो लाइट एनर्जी है उससे फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो दोनों एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेलेक्टिव मार्कर इन प्लास्टिड आर यूज्ड टू, सेलेक्टेबल मार्कर जिन्हें आप कहते हैं, प्लाज्मिन में जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 59, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर पाए, उनको आइडेंटिफाई कर पाए, विच इज करेक्टली लेबल्ड, आपको यहाँ पर ए दिखाया गया है, बी दिखाया गया है, सी दिखाया गया, करें बी लॉजिस्टिक कर्व है, बी बेटा एक्सपोनेंशियल कर्व, सी कैरिंग कैपेसिटी है, नहीं बेटा जो सी आपको दिखाया गया ये लॉजिस्टिक कर्व है, सी एक्सपोनेंशियल कर्व है, नहीं बेटा सी लॉजिस्टिक कर्व है, ए कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ए जो लाइन आपको इंडिकेट की गई है ये कैरिंग कैपेसिटी को बताती, 60 का आंसर डी हो जाएगा, जल्दी से करो बेटा आंसर। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ, हमारे धरती के लंग किसे कहा जाता है, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, लंग ऑफ द प्लैनेट दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। बंडल सीड सेल C4 प्लांट में आप पढ़ते हैं बंडल सीड सेल के बारे में, है ना, तो दो सेल यहां पर इन्वॉल्व होती है, एक होती मेसोफिल सेल और एक होती बंडल सीड सेल, मेसोफिल और बंडल सीड सेल, तो करें दीज आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज, बंडल सीड सेल में पेप कार्बोक्सिलेज ज्यादा होता है, दे आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज, बंडल सीड नहीं बेटा, मेसोफिल में पेप कार्बोक्सिलेज ज्यादा होता है। लैक रूबिस्को, बंडल सीड में करें लैक रूबिस्को, नहीं बेटा यहाँ रूबिस्को होता है, यहाँ रूबिस्को होता है, लैक बोथ रूबिस्को एंड पेप कार्बोक्सिलेज, नहीं बेटा रूबिस्को होता है पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होता है, आर रिच इन रूबिस्को, यस डी ऑप्शन, बंडल सीड सेल आर रिच इन द रूबिस्को, और इसीलिए जो कैल्विन साइकिल होती है C4 प्लांट में वो कहां चलती है, बंडल सीड सेल में चलती है, क्योंकि वहीं पर रूबिस्को एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम का यूज कहां पर है, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में। सेक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइनिन आर सेक्रेटेड बाय, सेक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइनिन का जो सेक्रीशन है बेटा ये कहां से सेक्रेट होते हैं, ये दोनों हार्मोन है और इनका सेक्रीशन होता है डियोडिनम रीजन से। आर्चीगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन, आर्चीगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर, है ना, आर्चीगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर्स आर प्रेजेंट इन, ये कहां पर पाए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया, ये मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। द गिवन स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग, आइडेंटिफाई द ड्रग एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड विद इट, इस ड्रग को पहचानी है और इसके बारे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 65, पहला आपको दिया कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ कैनबिस सटाइवा, ये गलत है, कैनबिस सटाइवा बेटा जो होता है इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं लीफ होता है उससे ऑब्टेन करते हैं, इस कॉजेस हैलुसिनेशन, हाँ ये सही है। इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन जीआईटी, बेटा जीआईटी में तो जो मॉर्फिन होते हैं जो ऑपियोइड होते हैं उनके रिसेप्टर होते हैं ना, These are obtained from the leaf of Papaver somniferum. इससे मॉर्फिन को ऑप्टेन किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फिगर एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, है ना, ये फिगर एनसीईआरटी में आपको दिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको ये फिगर दिया गया है।
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये बेटा कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है, दिस इज कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। और कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल को हम ऑप्टेन करते हैं कैनाबिस सटाइवा से, लेकिन उसके फ्रूट से नहीं ऑप्टेन करते हैं। और जो कैनाबिस सटाइवा है इससे हेलुसिनेशन होता है, मति भ्रम पैदा करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मॉर्फिन नहीं बेटा, ये मॉर्फिन नहीं, मॉर्फिन का अलग स्ट्रक्चर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। इन प्रोटीन ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। अरे प्रोटीन में केवल लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस पाए जाते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा, इन प्रोटीन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन में राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हॉलो वुलन बॉल लाइक। टर्शरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल लाइक होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर, हाँ ये सही है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट अल्फा एंड 2 सब यूनिट बीटा। ये भी सही। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। चारों कैसे इनकरेक्ट है? ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी तो सही है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67, मेजर इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ब्रिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। करें कि माइटोसिस में कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता। अगर एक सेल में 4 क्रोमोसोम है और ये सेल डिवाइड करे और 2 सेल बनाए माइटोसिस से, तो दोनों सेल में 4 4 क्रोमोसोम जाते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर बराबर किस वजह से रहता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67। बढ़िया सवाल है। ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है बेटा। और अगर आप मियोसिस में जाएंगे तो मियोसिस फर्स्ट में, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, पेरिकार्प हैज मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन, सही है क्वेश्चन नंबर 68 में। ठीक है, सिनगैमी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड गैमेट। बेटा सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन है और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। चलिए कॉलम मैच करिए। ये मैंने आपको सारी एंटीबायोटिक बताया और किससे मिलती है ये भी मैंने आपको बताया, सुबह भी मैंने जिक्र किया था यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से ऑब्टेन की जाती है। नियोमाइसिन किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली से। क्लोरोमाइसिटिन ऑप्टेन की जाती है। क्लोरोमाइसिटिन की अगर हम बात करें तो क्लोरोमाइसिटिन को, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नियोमाइसिन ऑप्टेन करते हैं फ्रेटी से ऑप्टेन करते हैं। ये नियोमाइसिन ऑप्टेन करते हैं फ्रेटी से। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सही है। फिर आ जाते हैं क्लोरोमाइसिटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो है बेटा इसको राइमोसिस से ऑप्टेन करते हैं और इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रियस से ऑप्टेन करते हैं। तो तीन तो सीधे सीधे मैच करने ऊपर वाले। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ नियोमाइसिन फ्रेडी से होता है। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2 मीथेन सीएफसी एंड N2O टू ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 कितना होता है, 60% मीथेन, 20% सीएफसी, 14% और N2O 6% हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। 71, टू स्पीसीज कैन नॉट लिव इन द सेम नीस ड्यू टू। दो स्पीसीज एक ही नीस में नहीं रह सकती हैं, किस वजह से, यहाँ पर किसका रूल लगता है, That is Gauss competitive exclusion principle की वजह से। Number of element needed for healthy growth and development of plant। Plant में development और growth के लिए कितने mineral की या कितने element की जरूरत होती है। तो बेटा आप जानते हैं कि plant में 17 element की जरूरत होती है, जिसमें से
9 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और 8 जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये 17 एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए स्टॉक नेम। ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? ओव्यूल का जो स्टॉक होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, इसके स्टॉक को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इसे फ्यूनिकल का नाम दिया जाता है। वाई इज वीवी पेरीज अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। एनुअल क्रॉप प्लांट में वीवी पेरी अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि अगर एनुअल प्लांट जैसे गेहूं धान में वीवी पेरी होगी, वीवी पेरी में क्या होता है, जब फ्रूट प्लांट पे लगा रहता है तभी उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो एनुअल क्रॉप प्लांट में वीवी पेरी क्यों अनडिजायरेबल है? क्योंकि तब आप ये गेहूं धान के जो सीड है ना, इनको स्टोर नहीं कर पाएंगे अगले सीजन के लिए, इसलिए ये अनडिजायरेबल हो जाएगा, बेकार होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिगर। इस फिगर को पहचानिए जरा। क्वेश्चन नंबर 75, इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्या दिखाई गई आपको समझ में आ रहा है? एक ऑप्शन तो यहां लिखा, दीज आर राउंड एंड इलोंगेटेड। तो राउंड तो नहीं दिखाई दे रही, इलोंगेटेड और टेपरिंग तो है, राउंड नहीं दिखाई दे रहे, तो यही स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। यस बिल्कुल, हिमसिका ने बताया ये ट्रैकीड है बेटा। तो बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए वो ट्रैकीड के लिए सही है, ठीक है। ट्रैकीड में वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है, डेड होती है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है। तो यहां पर जो आंसर आपका होगा वो बी आंसर हो जाएगा। विच ग्रुप रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में 5 एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में वेजाइना है। वेजाइना की अगर हम बात करें तो ये फीमेल एसेसरी डक्ट है, ओवी डक्ट भी एसेसरी डक्ट है। इसके अलावा अगर हम सर्विस की बात करें, ये भी एसेसरी डक्ट का पार्ट हो जाएगा। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन और मॉन्स प्यूबिस, ये 5 पार्ट जो होते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं। मॉर्गन स्टडीड सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक वन ऑफ देम इन बिटवीन। किसके बीच में क्रॉस कराया था? एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा क्वेश्चन, दैट इज येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी आप चेक कर लीजिएगा। मेरिस्टम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी। बागवानी में हम मेरिस्टम कल्चर का यूज किस काम के लिए करते हैं? मेरिस्टम कल्चर का यूज किस काम के लिए करते हैं? आज के आपके ज्यादातर आंसर सही भी हो रहे हैं। तो वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए मेरिस्टम कल्चर का यूज करते हैं। चलिए, ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन से कौन रिलेटेड है? ऑक्सिन, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेलिन, हेरिंग स्पर्म डीएनए, साइटोकाइनिन, राइपनिंग फ्रूट इथाइलिन एंड एज लीव ऑफ प्लांट दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी 2E, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 79 का। 80 पे चलते हैं। व्हाट इज कॉमन टू लैंटना, आईकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, तीनों एनसीईआरटी में दिए गए। अफ्रीकन कैटफिश का नाम बताना चाहो तो आप नाम भी बता सकते हो। अफ्रीकन कैटफिश का अगर साइंटिफिक नेम आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आल आर इनडेंजर्ड स्पीसीज, नहीं इनडेंजर्ड, इनको कोई खतरा नहीं बल्कि खुद ही खतरा है। दीज आर की स्टोन, की स्टोन भी नहीं। दीज आर मैमल, नहीं बेटा, लैंटेना और आइकॉर्निया तो दोनों प्लांट हैं और अफ्रीकन कैटफिश तो मछली है। आल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रिएटेंड, ना तो इनको खतरा और ना ही ये इंडिजिनस है। इंडिजिनस मतलब देसी भी नहीं। तो यही आंसर आपका सही है। तो फिर है क्या ये? दीज आर द एग्जॉटिक स्पीसीज, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में एनसीईआरटी ने ये तीनों केस आपको दी। यस अंजना, अंजना ने बताया क्लेरियस गैरीपाइनस, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ठीक है, क्लेरियस गैरीपाइनस। अंजू ने भी आंसर सही दिया है। अफ्रीकन कैटफिश को कहते हैं क्लेरियस गैरीपाइनस और इंडियन कैटफिश को क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। विच इज नॉट ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है? प्रोजेक्ट इंडियन बास्टर्ड ये है, टाइगर प्रोजेक्ट हांगुल, ये तीनों प्रोजेक्ट हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डोडो ये एग्जिस्टिंग नहीं है। मैंने बताया था स्पेशल सरप्राइज सेशन में कि प्रोजेक्ट डोडो जो है वो
नॉन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है क्योंकि डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसका कंजर्वेशन क्या करेंगे जब खत्म ही हो चुका है। गौरव ने बताया क्लेरियस बैट्रैकस, बिल्कुल सही है, क्लेरियस बैट्रैकस इज द इंडियन कैटफिश। क्लेरियस कैरिपिनस एनसीईआरटी में दिया गया, क्लेरियस बैट्रैकस मैंने आपको बताया। तो प्रोजेक्ट डोडो इज द नॉन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। हार्मोन रेगुलेटिंग कैल्सियम एंड फास्फोरस मेटाबोलिज्म इन द बॉडी सिक्रेटेड बाय। कैल्सियम और फास्फोरस की जो मेटाबोलिज्म होती है बेटा, इसके लिए हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 82। तो इसके लिए बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है? पैराथायरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करती है, और जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है ये कैल्सियम के लेवल को इंक्रीज करता है और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अबाउट 1500 ml ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। 1500 ml एयर तब भी रह जाती है जब आप खूब जोर लगा के सांस छोड़ दो। तो ये जो लंग में एयर बची रह गई, बची हुई एयर, नाम से पता लग बची हुई है, तो क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल। और ये वॉल्यूम कभी एयर से आप बाहर लंग से निकाल ही नहीं सकते हो। इसीलिए बेटा शिवानी सिंह, हाँ आपका कमेंट सो रहा है बेटा, आपका कमेंट अगर सो रहा तो आपको भी दिखाई देगा वो, है ना। दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, और यही वो वॉल्यूम है जिसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल अंजू, 1100 से 1200 ml, बिल्कुल सही। ए मैन विद जीनोटाइप दिस प्रोड्यूसेस पी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पर्म, ए वुमन विद जीनोटाइप दिस कैन क्यू नंबर ऑफ ओवा। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट पी एंड क्यू? तो बेटा इसके लिए मैंने तरीका आपको सिखाया कि अगर होमोजाइगस है तो 1 लिखिए, हेट्रोजाइगस है तो 2 लिखिए, है ना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए चार गैमेट यहां बने, चार तरह के, यहां पर कैपिटल आई स्मॉल आई 2, कैपिटल एल कैपिटल एल 1, कैपिटल एम स्मॉल एम हेट्रोजाइगस से कैपिटल ने स्मॉल एन, तो यहां पर 8 तरह। तो पी की वैल्यू 4 आई और क्यू की वैल्यू कितनी है? 8 आई। करेक्ट आंसर बी होगा, कम से कम 20 बार मैंने इस तरह का सवाल बताया होगा। चलो यहां पे पहचानो, यहां पे पीबीआर 322 में ए बी सी डी आपको दिए गए, है ना, ये ए है, ये सी आपको दिखाया गया, ये डी आपको दिखाया गया और ये बी आपको दिखाया गया। चलो पहचानो इसमें से। 85 ये फिगर भी आपके नीट में भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 85 बताइए। ये तो पहचान रहे होगे ना, ये जो है ये आप पहचान रहे होगे, दैट इज पाम H1। ये क्या है? PUV1। सी क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और अच्छा डी है ना, हाँ डी ठीक है। और बी यहां पर जो दिया गया है दैट इज PVU2। एनसीईआरटी का सीधा फिगर है बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। ए की स्टोन स्पीसीज इज वन विच हैज, ये कल भी मैंने आपको कराया था एनटीए वाले मॉक टेस्ट में। ए की स्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं? जिसका नंबर कम होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उसका बायोमास कम होगा, नंबर कम होगा। ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बायोमास बट हैज ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। किसी कीस्टोन स्पीसीज का नाम बताओ, कोई एक कीस्टोन स्पीसीज का नाम बताना। अगर आपने विच वन कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से कौन सी एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनमें से कौन सी एसेंशियल अमीनो एसिड है? एसेंशियल के लिए कोड मैंने बताया LLTT, हम VIP, और भी कोड अलग अलग हो सकता है आपके पास हो, है ना, LLTT हम VIP, जो याद हो जाए वही कोड अच्छा है। आदित्य ने बताया फिग, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो फिग होता है बेटा, जो फिग होता है ये एक्चुअली क्या होता है? की स्टोन स्पीसीज। फिग इज द की स्टोन स्पीसीज, फिग याद रखना, फिग पूछा गया आपके एग्जाम में।
फिग गुलर को कहते हैं, अंजीर जिसे आप कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए क्या बताओगे? तो यहां पर वीआईपी में देखो एलएलटीटी हम एच हिस्टिडीन और वी फॉर वेलिन, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलो इसका नाम बताना है, किसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। कार्बन का नंबर गिन लो, 14 कार्बन ये हैं, एक ये 15 और एक ये 16, तो 16 कार्बन दिखाई दे रही बेटा, 16 कार्बन की क्या है, पॉमिटिक एसिड है ये। ए प्लांट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक व्हेन इट, प्लांट को मोनोकार्पिक कब कहेंगे। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, है ना, मोनो का मतलब एक बार, यानी प्रोड्यूसेस वन फ्रूट पर प्लांट नहीं। डाइज आफ्टर फ्लावरिंग वन, एक बार फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। बहु लोग ए कर रहे हैं कि प्रोड्यूसेस वन फ्रूट पर प्लांट, वाह क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कि अगर एक फ्रूट लगेगा एक प्लांट पे तो उसको मोनोकार्पिक। इतना मार खाओगे ना अभी मुझसे जाते जाते, आखिर में ए ऑप्शन कर रहे हैं कि एक फ्रूट एक प्लांट पे लगा होगा तो उसको मोनोकार्पिक कहेंगे, दो लगे होंगे तो उसको बाईकार्पिक कहेंगे, है ना, तीन लगे होंगे तो ट्राईकार्पिक कहेंगे। अबे नालायकों, हद कियो। मोनोकार्पिक में जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बंबू हो गया, बनाना हो गया, ये सब है। एक आम लगा हो तो कह देना कि ये देखो मोनोकार्पिक, अबे मैंगो पॉलीकार्पिक है। प्यूपिल एडमिनिस्टर्ड विद प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज गेट, अगर किसी पर्सन में बनी बनाई एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडी डालेंगे, नाना नहीं शेखर बेटा बनाना, ठीक है। चलो तो अगर बनी बने एंटीबॉडी डालेंगे तो ये क्या देगा, पैसिव इम्यूनिटी देगा, और अगर एंटीबॉडी बॉडी में बनेंगी तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। हाँ ठीक है, लेथायरस भी हो जाएगा। ओके तो 90 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। मुझे बताइए जल्दी जल्दी कितने कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कल के लिए अनुराग सर ने कुछ बताया बेटा, कुछ बात हुई है कल की क्लास के बारे में। अच्छा प्रतीक करें, आज अच्छे क्वेश्चन थे रोज की तरह। रूबी ने 70 सही किए, केंद्र प्रकाश के 75 हैं, शीतल के 86 हैं, वेरी गुड। आरती ने 78 किए, भूपेंद्र के भी 78 हैं, अनुराग 75। ओके आदित्य 81, चलो वेरी गुड। आकांक्षा 79, वर्तिका पटेल 84, मुकुंद 70, सरिता 78, मानशी 78, मुस्ताक 82, वेरी गुड, योगेश 82, समी अहमद 83, गौरव राज 86, गौरव दो हैं, गौरव भास्कर एक गौरव राज है ना, हेमलता 75। हाँ कुछ बच्चे जो रेगुलर रहते हैं उनके नाम पता हो जाते हैं, एकता हो गए जैसे, मुस्ताक हैं, है ना, ये बच्चे रेगुलर रहते हैं, नीलम वाजपेयी। रेगुलरिटी तो जरूरी है बेटा, कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए रेगुलरिटी तो जरूरी है। हिमशिखा, आदित्य, श्लोथलॉन, अलसबा, कार्तिक, ये सब बच्चे, रूबा हो गई, प्रतीक हो गया, है ना, ये सब रेगुलर रहते हैं बच्चे। ये तो एक गौरव और हैं, गौरव कानपाल, रूबेन हो गए,
रेगुलरिटी मेंटेन रखिए बेटा, बस कुछ दिनों की बात है ना। चैनल का नाम, अच्छा कलुआ भाई, हाँ कलुआ भी रहता है डेली। अरे यार मैं कैसे भूल गया, प्रशांत राजपूत है ना, राज, कुछ बच्चे पहले जो अच्छे थे वो गायब भी हो चुके हैं है ना। असमी, अच्छा हेमलता, भूपेंद्र, शेखर श्रीवास्तव, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आयुष वर्मा, नैन्सी गौर, नंदन रावत, बिलाल अख्तर, आदित्य, शीतल, महबूब, फैजल, रवींद्र, शत्रुघ्न, श्रुतिका ने 82 किए हैं, बिलाल अख्तर, काजल कश्यप, कुछ बच्चे तो 3-4 महीने से, अब से मैंने शुरू किया है ना, तब से लगातार जुड़े हुए हैं। अमेजिंग फैक्ट, संतोष, अमर, थैंक यू बेटा। और किसी का नाम तो नहीं छूटा? नंदन किसका नाम बताना बेटा? किसके नाम के बारे में तुम लोग जानना चाह रहे हो? तुम लोग जो मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं? सरिता भारद्वाज, कामरान अहमद, स्वीटी रॉय, फैसल खान, करुणेश, योगेश वर्मा, विजेंद्र, अच्छा डॉक्टर पीहू छूट गए। अरे अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आया, तुम लोग इतना चाचा चाची और ये सब करते हो, ये सब मुझे कोई समझ में नहीं आया कि चाचा कहाँ है चाची कहाँ है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनको चाची समझ रहे हो बाद में चाचा निकले, है ना। रूबा बेटा मार बहुत खाओगे। अच्छा प्रतीक घुबरेले भी लगातार क्लास कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल 8-10 आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, व्यूज बढ़ाते ही हैं उसमें कोई। अच्छा चाचा गौरव का नाम है, अच्छा चाचा अच्छा नंदन, थैंक यू बेटा, तुम लोग इतना प्यार देते हो ना, इसी की वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ, वरना इतना ये सब हो गया था ना मैटर कि मतलब मैं क्लास ले नहीं पाता है ना, लेकिन तुम लोग इतना प्यार देते हो कि इसी की वजह से इतनी हिम्मत रहती कि मैं सब काम कर पाता हूँ। हाँ अच्छा शत्रुघ्न, शत्रुघ्न हाँ बेटा, देखिए एक्टिवली अभी हम पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं ना, जुड़े यूट्यूब चैनल से मैं जुड़ा था 2019 मैंने चैनल शुरू किया था, वैसे 2018 मैंने चैनल शुरू किया था लेकिन वो हैक हो गया था है ना, किसी ने डिलीट कर दिया था उसको, उस पर करीब 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, अब तक वो करीब 2.5-3 लाख हो जाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि किसी ने है ना, हाँ ये भी बात सही रोहित करें, आप डिसलाइक मत देखे लाइक देखे ना, 400 लाइक है ये देखना चाहिए ना हमें। वही चीज ना बेटा, जैसे मैंने 25,000 क्वेश्चन कराए हैं, अगर एक क्वेश्चन में कहीं पर गलती हो भी गई तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए ना, और वो भी कोई इंफॉर्मेशनल कोई वहां पर मिस्टेक नहीं थी, इंफॉर्मेशन तो मेरी सही थी जो क्वेश्चन को रिलेटेड थी, बस मैंने ये गलती से बोल दिया था कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, उस चीज को लेकर थोड़ा सा है ना
बाकी ये तो दुनिया है, तो चलती रहेगी इसी तरीके से। हर इंसान नहीं अच्छा हो सकता ना, ये भी हमें समझना ही पड़ेगा। तो हाँ भूपेन देव करें सर, मैं आपको 2018 से ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ 407 लाइक है, हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए ना। ठीक है कार्तिकेय गणेश सर, मैं मार्च 2019 से फॉलो करता हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ देखो संजय सर बहराई से वहां से काम कर रहे हैं, कल मैंने उनको एक इन्वर्टर का ले लो है ना, ताकि वो प्रॉपरली काम कर पाए, लाइट लाइट नहीं आ पा रही है ना। जो अमृता मैम हो अपने घर पे काम कर रही, अनुराग सर अपने यहाँ से काम कर रहे हैं, मैं अपने यहाँ से काम कर रहा हूँ। फिर जो हमारी टीम है, जैसे जो रविकांत है वो बाराबंकी में फतेहपुर में रहते हैं, वहां से काम कर रहे हैं। आलम अपने घर से टाइपिंग का काम कर रहे हैं। अर्पित अपने रूम से टाइपिंग का काम कर रहा है लखनऊ में रह के। शैलेंद्र अपने गांव से काम कर रहा है। कुलदीप अपने गांव से काम कर रहा है। रोमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं। रमाकांत एडिटिंग का काम कर रहा है, वो भी लखनऊ में रह रहा है। तो कितने सारे बच्चे ये काम करें, तब जाके ये एक चीज आपको मिल पाती है ना। मतलब बहुत सारी, बहुत एक टेक्निकल टीम काम करती है, तब जाके रोहित सर हो गए, वो मैनेज करते हैं काफी चीजें। तो अब ये सब लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है कि कोई भी काम जो हम करते हैं तो उसमें एफर्ट लगता है ना, हमें टाइम देना पड़ता है। टॉकीज टॉक सर, मैं कानपुर से होकर आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। ठीक थैंक यू बेटा। संजय पटेल बेटा बहराइच से करें, बहराइच का रहने वाला है, तो बहराइच से उसको मैंने कहा था ले लो, तो वहीं से कर रहा, अपने घर के नजदीक है उसका। और हाँ इनसे कह, हम लोग अपने घर से पढ़ने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भूपेन, थैंक यू बेटा। तो चलिए ठीक है, अभी अमृता मैम की बेटा क्लास होने वाली 3 बजे, और बाकी जो भी स्ट्रेटेजी है कल के लिए या परसों के लिए वो मैं आपको बता दूंगा है ना। वर्कबुक भी आज आपको नहीं मिली शायद, है ना। तो ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे बेटा। और हो सकता है कि जो 45 क्वेश्चन सुबह नहीं हो पाए थे, अगर तुम लोग चाहो तो रात में 8 बजे करा दूं मैं आपको। 45 क्वेश्चन बाकी रह गए थे ना सुबह वाले, नहीं हो पाए थे। अच्छा प्रश्न कह रहे हैं अनुराग सर को लैपटॉप आपने गिफ्ट दिया है क्या, एप्पल वाला बता रहे थे क्या, एप्पल वाला कह रहे थे, तो वो तो मैंने ही दिया है, 2.5 लाख का था पता तुम लोगों को। मतलब मैं 90 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, लेकिन आज असल में थोड़ा सा सुबह ये देख रहे हो ना दिक्कत हो रही, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप देख रहे हो तो ऐसी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो 90 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, आज नहीं हो पाया था तो मैं सोच रहा हूँ रात में करवा दूं। अच्छा डेल का लिया है, अच्छा और क्या है, एप्पल का सर्च करके देखो तुम लोग लैपटॉप, और क्या तुम लोगों को लगता है ऐसे ही चलता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगते हैं बेटा, बहुत बड़ी टीम लगती है तब जाके काम होता है। अब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा तो हम अपनी टीम से भी मिलाएंगे, और कहो तो एक टीम के लिए हम ये काम ये भी कर सकते हैं कि जो पीडीएफ तुम लोगों को प्रोवाइड की जाती है उसमें एक फोटो उन लोगों का भी लगा दें, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा है ना। तो ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा रात में, अगर मैं कराऊंगा ये वाला 45 क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं तो हाँ मैम का क्लास तो होगा ही बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको बुलाया जाएगा, जितने बच्चे सिलेक्शन लेने के बाद सबको सबको बुलाया जाएगा, पार्टी होगी, पार्टी ऑल नाइट है ना, खाना पीना मस्ती डांस सब कुछ होगा, बस तुम लोग पढ़ लो बेटा, बस जितना टाइम बचा हुआ है। कल के प्लान के बारे में बेटा मैं बात करता हूँ, जरा अमृता मैम से बात करता हूँ,
अनुराग से ही बात कर लेता हूँ, अनुराग सर से है ना जूनियर है ना तो चलता है। आठ बजे पे करवा दिया जाए, ठीक है बेटा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय बच्चों, लव यू एंड टेक केयर बच्चों।